नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। एग्जाम टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसकी थोड़ी सी ट्रिक सीखी थी कि उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्या सीखा था कॉन्सेप्ट और उसकी ट्रिक सीखी थी, क्या किस तरह से उसका क्वेश्चन को टैकल करना है। उसका बताया था मैंने कि फैमिली ट्री पे भरोसा रखना, अपने फैमिली ट्री जो भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आया आपके सामने, आपने क्या बना लेना, फैमिली ट्री बना लेनी। ठीक है, आपने क्या करना, फैमिली ट्री बनानी और उसके बाद जैसे जैसे वो बोलता चला जाएगा वैसे वैसे आप फैमिली ट्री बनाओगे, इजीली आप आंसर निकाल पाओगे। अगर आप अपने मन से कुछ भी करोगे, मतलब जैसे कई बार लगता है ना कि ये वो लगा, ये मेरा वो लगा, उस टाइम क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ठीक है, फैमिली ट्री मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाई थी आपको, आज हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। फिर पहला क्वेश्चन लिखो, ए ए बी की पत्नी के पति का भाई है, ए बी के पत्नी के पति का भाई है, ए बी की पत्नी, बी की पत्नी कोई और होगी, उसका पति कौन, अभी ये पत्नी है तो ये तो पति ही है। ए बी की पत्नी के पति का भाई, मतलब वो खुद बी, ठीक है, उसका भाई कौन, ए। ठीक है, आगे बोला सी और डी बी की बहने हैं, सी और डी बी की बहने हैं। देखो सी और डी बी की बहने हैं, हालांकि मैंने देखो थोड़ा तिरछा सा बना दिया ये, लेकिन है ये सेम जनरेशन के, किसके हैं, सेम जनरेशन के हैं ये। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां लिख दो सी और डी, अब ये सेम जनरेशन के है। देखो अगर ये डी की बहने हैं तो ए भी तो इसका भाई है। ठीक है, क्या था उसने क्या बोला था, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, तो ये ए तो वैसे पॉजिटिव में आ गया, यानी कि लड़का है ये, और बी भी क्या है, लड़का है, और सी और डी बी की बहने हैं। ठीक है, ये मैंने माइनस कर लगा दिया। ठीक है, आगे बोला उसने ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी से, ठीक है, क्या संबंध है, वो उसका भाई है, वो उसका भाई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यदि ए बी की बहन है, यदि ए बी की बहन है, सी यदि ए बी की बहन है, देखो बी लड़की भी हो सकती है तब भी वो बहन बनेगी, लड़का भी हो सकता है तब भी वो बहन है, ए बी की बहन है, अब ये नहीं कंफर्म कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, अब यहां इसका कोई ना कोई होगा। ठीक है, ये माँ है तो ये क्या है, इसका फादर। ठीक है, ए सॉरी सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, डी सी के पिता है, डी सी के पिता है। ठीक है भाई, डी सी के पिता है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, काफी लंबा हो गया था, ई डी की माँ है, काफी पुत लगे, कोई बात दोबारा बना देता हूं।
ए बी की क्या है, बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं, डी सी के पिता हैं और ई डी की माता है, ठीक है, ई डी के माता है। ए और डी के बीच क्या रिश्ता है, 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 ठीक है। ऑप्शन आपके दादी दादा पोता या नातिन, या पोता या नातिन, और पोती या नातिन, लड़की को क्या बोलते हैं नातिन, वो ज्योति, ठीक है। दादी ऑप्शन ए, दादा बी, पोता या दोता, पोती या ज्योति, क्या है आंसर इसका। डायग्राम बनने के बाद तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है इनके रिश्ते। क्या देखो, ये सी है, इसके कोई ना कोई हस्बैंड होंगे तभी तो उसके ये बच्चे हैं, ये माँ है, ये इनके फादर है। अब माँ का पापा, माँ का पापा यानी माँ का ही फादर है, तो ये क्या रिलेशन बना के नातिन। ये तो इसका तो क्लियर मेंशन था ना कि ये लड़की है या लड़का है, ये तो क्लियर पता था, और तभी मैंने यहाँ निशान लगा दिया था माइनस का, तो ये तो लड़की, इसका कंफर्म नहीं था मैं कि ये लड़का है या लड़की है। अगर इसके बारे में पूछता हो कि बी का डी से क्या संबंध है, तब हम क्या बोलते, जात नहीं कर सकते, क्या बोलते, जात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। अगर लड़का लड़की ना पता हो तो हम किसी एक पर्टिकुलर रिश्ते के पास नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ कोई होगी, ए की माँ माँ है तो माइनस लेडीज है, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है। अब इसका तो कंफर्म नहीं है कि भाई है या क्या है, यानी कि लड़का है या लड़की है कुछ नहीं पता, तो बी की बहन है, ए की माँ, ठीक है, और उसकी एक पुत्री सी है, और उसकी एक पुत्री सी है। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, बताया था हु whom एंड और बट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या आपने करना उसके में, कि अगर और आ जाए या बट आ जाए, एंड आ जाए या बट आ जाए, किंतु परंतु ये आ जाए तब तो क्या करना आपने, और हु who या whom आ जाए, जो या जो की आ जाए तब आपने क्या करना है, ठीक है। तो क्या ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक पुत्री है, देखो यहाँ कोई कोमा ही नहीं है, कोमा ही नहीं है, तो कोमा नहीं है तो वो बी की ही बात कर रहा है कि ए बी की बहन है और उसकी एक पुत्री है, और उसकी एक पुत्री है, ये नहीं पता क्या सी है उसका नाम शायद, हाँ उसकी एक पुत्री है सी, उसकी एक पुत्री है सी, ठीक है, पुत्री है। अब आगे पढ़ो, ए का बी के साथ क्या रिश्ता है, ए का बी के साथ क्या रिश्ता है, बी की क्या लगी, या तो भांजी, ये पता नहीं है इसका क्या है, वो जेंडर का नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, ये तो भतीजा आएगा या
भांजा या भांजी आएगा, भांजा या भांजी आएगा, क्योंकि ये इसकी सिस्टर का लड़का है या लड़की है। सिस्टर का लड़का या लड़की क्या लगता है, भांजा या भांजी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भांजी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है कि वह मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। मेरे दादा के, अंकित की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा के, मेरे दादा के यानी कि किसने बोला ये, अंकित कहने वाला कौन है, अंकित। ठीक है भाई, इसके फादर होंगे कोई, फादर साहब। ठीक है, वह मेरे दादा के, अंकित कहता है कि वह मेरे दादा के, ये अंकित नहीं होगा भाई, अंकित ने तो बोला है। ठीक है, अंकित ने कहा वह मेरे दादा के बेटे, मेरे दादा के बेटे, ये दादा होंगे, ये उसके बेटे हैं यानी कि फादर के बेटे की बेटी, के बेटे की बेटी, ठीक है, का बेटा है, का बेटा है, मेरे दादा के बेटे की बेटी का बेटा है। तो वह लड़का अंकित से किस प्रकार संबंधित है, ये कौन बन गया, अंकित ही बना है तो ठीक है, ये तो अंकित ही बना, अंकित के दादा के बेटा यानी कि अंकित के फादर की बेटी यानी अंकित की बहन यानी कि अंकित की बहन का बेटा, क्या लगा उसका, किस प्रकार संबंधित है वो, भांजा। ऑप्शन थे चचेरा भाई, भाई, ससुर या भांजा, तो आंसर क्या आएगा, भांजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपने भी फैमिली ट्री बनानी है और आसानी से क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही करोगे तो क्वेश्चन बड़े आसान होंगे और एक्यूरेसी बनेगी। ठीक है, एक्यूरेसी आएगी और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए पुरुष कहता है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए पुरुष कहता है उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते पुरुष कहता है, कहने वाला कौन, पुरुष, किसको, व्यक्ति को, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है उसकी बहन के पिता, इसकी बहन होगी कोई, उसके पिता, अब उसके पिता है तो ये भी तो उसका बेटा ही हुआ, व्यक्ति की बहन के पिता, व्यक्ति के बहन के पिता, उस व्यक्ति का ही तो फादर हुआ। ठीक है, के पिता मेरी पत्नी के चाचा है यानी कि इस पुरुष की वाइफ, इस पुरुष की वाइफ का कोई फादर होगा, वो उसका क्या है, भाई है। पुरुष की वाइफ का फादर और उस व्यक्ति के फादर आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, उस आपस में क्या है, भाई है। तो क्वेश्चन है वह व्यक्ति उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन है आपके चाचा, साला या जीजा, पिता या ससुर। देखो डायग्राम से आपका क्लियर हो गया, शिष्य कितना क्लियर है यार, शिष्य कितना क्लियर है रिलेशन। अब तो बस आपने आंसर देना है, उसका तो सिर्फ आंसर देना, पर नहीं हुआ क्या, नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, शिष्य की तरह साफ है, सिर्फ आंसर दो। अब ऐसे ही अगर आप भी डायग्राम बनाओगे
तो एक्यूरेसी 100% आएगी, ठीक है। ये आपस में क्या है, सारा जीजा, सारा जीजा ही तो है। देखो, एक पुरुष ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुआ कि उस व्यक्ति की बहन के पिता, उस व्यक्ति की बहन, ये व्यक्ति की बहन होगी, ठीक है, उसके पिता, अगर उसके पिता तो इस व्यक्ति के भी तो पिता ही हुए, वो बहन के फादर क्या है, हमारे भी फादर, ठीक है। तो इस व्यक्ति के फादर, मेरी पत्नी यानी कि इस पुरुष की पत्नी की वाइफ के चाचा, ये इसके चाचा हैं, ये है जो वो इसकी पत्नी के चाचा हैं, यानी कि इसका भाई, इसका फादर होगा कोई, उसके फादर का भाई है ना, इसलिए अगर इसके बारे में पूछता तो इसका क्या लगता, वो ससुर ही लगता, क्योंकि ससुर का भाई ससुर, ससुर का भाई ससुर। तो लेकिन पूछा उसने किसके बारे में है, इस व्यक्ति के बारे में पूछा है कि उस व्यक्ति का उस पुरुष से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो वो ससुर का बेटा क्या लगेगा, साला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इंग्लिश में लिखो P Q R S T and U, 6 member of a family in which there are 2 couple married couple, there are 2 married couple जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, टीचर टी मैरिड टू डॉक्टर, टीचर टी मैरिड टू डॉक्टर, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, जो कि R और U की माँ है, जो कि R और U की माँ है, who is mother of R and U, वकील Q का विवाह P से हुआ, वकील Q का विवाह P से हुआ, एडवोकेट Q is married to P, एडवोकेट Q is married to P. P का एक पुत्र और एक पौत्र है. P has one son and one grandson. P has one son and one grandson. P का एक पुत्र और एक पौत्र है. दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है. Out of two women, out of two female member, one is a housewife. Out of two female member of family, one is housewife. परिवार में एक छात्र भी है. In family there is a student. In this family there is a student also. एक परिवार, इस परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है. एंड अ मेल मेंबर इज इंजीनियर, एंड अ मेल मेंबर इज अ इंजीनियर, इज एन इंजीनियर सॉरी. तो परिवार की पोत्री का क्या पैशन है, क्या पैसा है, वो क्या करती है. तो ग्रैंड डॉटर ऑफ फैमिली
what do granddaughter of family. ऑप्शन है आपके और बन भी गए थोड़ी देर में, बढ़िया। वकील एडवोकेट है, इंजीनियर है, स्टूडेंट छात्र या डॉक्टर। बहुत बढ़िया। जिसने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। देखो, एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाह जोड़े हैं। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ, टी क्या है? टीचर है। टी क्या है? टीचर है। और इसकी शादी किसके साथ हुई? डॉक्टर के साथ। किसके साथ? डॉक्टर के साथ, ठीक है। डॉक्टर फीमेल, अगर इसके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है आर और यू, ठीक है। वकील का विवाह पी से हुआ, वकील एडवोकेट कौन है? क्यू है, एडवोकेट क्यू, एडवोकेट क्यू का विवाह पी से हुआ, बहुत बढ़िया। आगे, पी का एक पुत्र और एक पुत्र है, पी का एक पुत्र और एक इसके शादी हुई होगी, इसका पुत्र यानी कि मेल उसकी शादी होगी, तभी तो उनकी प्रोडक्शन क्या बनेगी? उसकी पुत्र बनेगी, ठीक है। उनका क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। अब कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। अब एक और है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहां पुट करूं तो कि एडवोकेट क्यू एक मेंबर, उसकी शादी पी से। अब उसका एक लड़का जिसका एक पोता होगा, इनमें से कोई एक पोता होगा, ठीक है। उनमें से अब देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हो गए पूरे 6 मेंबर इसके, इस फैमिली के पूरे 6 मेंबर, ठीक है। अगर मैं इनको उसके अंदर फिट करता तब वो ज्यादा बनते, मेंबर की काउंटिंग होती जो 6 से क्रॉस कर जाती, 6 को क्रॉस कर जाती, लेकिन यहां क्या कर रहे हो, इसके अंदर फिट करने से वो फिट हो गया। तो एडवोकेट क्यू दादा है, ठीक है इनके, और टीचर उनका बेटा है एडवोकेट का, उसकी वाइफ डॉक्टर है, ठीक है। और एक बचा, देख क्यू आ गया, टी आ गया, पी भी आ गया, आर भी आ गया, यू भी आ गया, एक ही बचा कौन? एस। अब ये डॉक्टर है फैमिली में, एक महिला विवाहित महिला क्या है? गृहिणी। क्या है? हाउसवाइफ। तो यही है वो, तो यही है वो हाउसवाइफ, ठीक है। एडवोकेट आ गया, हाउसवाइफ आ गई, टीचर आ गया, डॉक्टर आ गया, उनके अंत में एक इंजीनियर है। अब इनके बारे में तो पता ही नहीं है कौन फीमेल कौन मेल, ठीक है। लेकिन जो भी इनके अंदर से पुरुष है यानी कि मेल मेंबर है वो क्या है? इंजीनियर है। तो एक ही का पैसा बचा, एडवोकेट आ गया, ये जो था उसका हाउसवाइफ होगी, ये जो टीचर है टीचर, ये डॉक्टर, ठीक है। अब इनमें से 2 ही पैसे बचे, 2 ही मेंबर बचे, 2 ही पैसे बचे और 2 ही मेंबर बचे। उन में से मेल मेंबर तो क्या आपका इंजीनियर है, और बचा क्या फिर? एक बच्चा, वो कौन है? स्टूडेंट है फिर, ठीक है। और वो क्या फिर बनेगी? इसकी क्या बनेगी? पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर, ठीक है। वो क्या बनेगी? स्टूडेंट बनेगी, ठीक है। क्या आएगा सर? आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इंजीनियर इन दोनों में से कोई एक है, आर या यू में से कोई एक है। अगर आर और यू में से मुझे पता ही नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, हमें जब आर और यू में से पता ही नहीं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि आर इंजीनियर है या यू इंजीनियर है, ठीक है।
अगर ऐसा होता कि इंजीनियर कौन है, अगर क्वेश्चन ये बनता कि इंजीनियर कौन है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक व्यक्ति ने अपने से आगे लड़के को देखा, दिखाया और कहा, हालांकि ये बातें मैटर नहीं करती स्टार्टिंग की, तो जो मेन मुद्दा है वो अब है, फिर भी देख लो, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी के, ये मैं हूंगा, ठीक है, ये मेरी पत्नी, ठीक है, पत्नी की भाभी, इसका कोई भाई होगा, पत्नी की, पत्नी का कोई भाई होगा, उसकी भी शादी हो रखी होगी, उनका एक लड़का है, इसने कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का लड़का है, यानी कि उसके भाई का लड़का, ठीक है, मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, इसका तो कोई लेना देना था ही नहीं, ठीक है, एकमात्र संतान है या नहीं है, ठीक है। अब पूछा क्या है, मेरे पुत्र का उस लड़के से क्या संबंध है। क्वेश्चन है कि मेरे पुत्र का उस लड़के से क्या संबंध है, मेरे पुत्र का उस लड़के से क्या संबंध है। देखो डायग्राम बनाते ही रिश्ते एकदम से निकलाए, ठीक है, आपने भी एग्जाम में यही करना, अब मेरा पुत्र तो यही होगा, अब इन दोनों का रिश्ता क्या है, कजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, क्या कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, ये पुरुष होगा, ठीक है, ये पुरुष होगा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तो ये खुद ही है, इकलौती मतलब एक ही है, तो यही है फिर वो खुद, ठीक है। महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, महिला उसकी क्या लगी, माँ, महिला क्या लगी उसकी, माँ। देखा, डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रेमा का एक पुत्र है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम आनंद है, जिसका नाम आनंद है, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, ठीक है भाई। नेहा को रश्मि रसीम नाम की एक पुत्री है, नेहा को रसीम नाम की एक पुत्री है, नेहा को रसीम नाम की एक पुत्री है, नेहा है कोई, उसको रसीम नाम की एक पुत्री है, ठीक है भाई। नेहा राजीव की बहन है, बहुत बढ़िया, तो सीधे दिख गया, नेहा राजीव की बहन है, ठीक है भाई। आनंद का रसीम से क्या रिश्ता है, ऑप्शन है भतीजा मामा या चाचा, देवर या बहनोई, मोसेरे ममेरे चचेरे ततेरे, भाई बहन, ये भाई बहन है, क्या कंफ्यूजन है, क्लियर है। आनंद का रश्मि से कजन, तो ये तो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक फोटोग्राफ में, एक फोटोग्राफ में महिला की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ में जो महिला की तस्वीर है, एक महिला की तस्वीर है जो उसकी तरफ इशारा करते हुए, महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, सुमन ने कहा, उसके बेटे के पापा, उसके बेटे के पापा, उसके बेटे के पापा मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, इकलौते दामाद हैं, तो सुमन उस महिला वाली तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, तो सुमन उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन है सिस्टर, मदर माता, कजन चचेरा भाई, ममेरा भाई, मुसेरा भाई, तेहरा भाई, तुफेरा भाई, ठीक है, कजन या नन ऑफ दीज, या ऑप्शन थर्ड नन ऑफ दीज। क्या है भाई, नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, तस्वीर में कौन है, महिला है, उसके बेटे के पापा, उसके
बेटे के पापा यानी कि महिला का हस्बैंड है ना, उस महिला के बेटे के पापा यानी उसके हस्बैंड, महिला का हस्बैंड मेरी माता के इकलौते दामाद हैं, तो मेरी माता के इकलौते दामाद हैं, इस महिला की माता का दामाद तो वो महिला खुद हुई, तो वो महिला खुद हुई, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज, वो महिला वो खुद है, उसने अपनी ही तस्वीर का इशारा किया था, ठीक है, अपनी ही तस्वीर को इशारा किया था, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज। क्या रहा था आंसर इसका, वो खुद सुमन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी, हरी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, हरी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, द फादर ऑफ हीज सिस्टर, द फादर ऑफ हीज सिस्टर, उसके उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी के माता का पति है, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माता के हस्बैंड है, मेरी पत्नी की माता के हस्बैंड पति हैं, ठीक है। तो विजय, हाउ इज विजय रिलेटेड टू हरी, तो विजय हरी से किस प्रकार संबंधित है, तो विजय हरी से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन है ब्रदर, ऑप्शन बी ब्रदर इन लॉ यानी कि साला या जीजा, ऑप्शन सी अंकल चाचा, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंकड़े अधूरे हैं, या ये बोल सकते हो, ऑप्शन बी ब्रदर इन लॉ, चलो देखते हैं। द फादर ऑफ हिज सिस्टर, हरी की सिस्टर के फादर, मेरी पत्नी के माता के हस्बैंड है, ठीक है, ये कौन है, विजय, ये कौन है, विजय, उसकी वाइफ की माता, ये माता होगी, ये अब ये आपस में कपल है, ये आपस में क्या है, कपल है, तो हरी और विजय क्या हुए आपस में, रिजा सारा, क्या हुए, रिजा सारा, ठीक है।